हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे। अ वेरिएबल विद इन अ फंक्शन रीसेट एवरी टाइम व्हेन वी कॉल इट। इन केस इफ़ वी नीड वेरिएबल वैल्यूज टू रिमेन सेव इवन आउटसाइड द फंक्शन, देन वी हैव टू यूज़ स्टैटिक कीवर्ड टू मेक दैट वेरिएबल स्टैटिक। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं। फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल लिखेंगे, अगर उसको स्टैटिक बनाना है तो आपको उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा। देन एप स्पेसिफिका, मैंने ये कोड समझिए मत अभी, सिर्फ देख लीजिए कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, जो भी वेरिएबल आपको स्टैटिक बनाना है उसके साथ आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब इस कोड को समझते हैं हम लोग एग्जांपल में। ओके, सो ये हमारा छोटा सा कोड है, मैंने ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है। मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, इस फंक्शन को तो इको कर लेते हैं बिकॉज कुछ तो दिखना चाहिए। डिस्प और मैंने सेव किया और मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, ज़ीरो। सॉरी, वो वन दिखाई दे रहा था, ज़ीरो नहीं, कहाँ दिमाग रहता है मेरा। ओके, सो आपने इसको असाइन किया है ज़ीरो, यहाँ इसकी वजह से प्लस प्लस होता है, यानी कि बाय वन इंक्रीज होता है, रिटर्न वो वैल्यू होता है इंक्रीज्ड वैल्यू, और आपको यहाँ रिटर्न होकर मिलता है वन। ठीक है, और आपको यहाँ दिखाई देता है ब्राउज़र में वन। अब दोबारा से हम लोग इसको कॉल करते हैं, एक और बार मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें आई गेस मुझे एक न्यू लाइन, मतलब लाइन ब्रेक का टैग लगा देना चाहिए जिससे कि मुझे ये एक न्यू लाइन दिखाई दे। तो मैंने इसको सेव किया और मैं फिर से इसको कॉल कर रहा हूँ सेकेंड टाइम, यहाँ याद रखिएगा। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे फिर से वन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब विदाउट स्टैटिक आप वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, पहली बार जब आपने इस फंक्शन से कॉल किया, इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ कॉल किया, तो ये इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट जब करता है तो ज़ीरो वन वन रिटर्न, तो फिर वन ये दिखाई देता है। फिर से जब ये एग्जीक्यूट करता है, मतलब कॉल करता है, फिर से ये एग्जीक्यूट होता है तो फिर से ये ज़ीरो हो जाता है और वन, देन फिर से आपको वन दिखाई देता है। यानी है कि हर कॉल के साथ इसका जो वैल्यू है रीसेट हो रहा है। ठीक है, पहली बार आपने कॉल किया तो ये वन था, दूसरी बार जब आप कॉल कर रहे हैं तो फिर से ये रीसेट उठाकर आपको वन ही दे रहा है, फिर तीसरी बार जब आप कॉल करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको दो तीन बार कॉल करके, हर बार सेव करें और इसको जब जब भी आप कॉल करेंगे ये रीसेट हुआ वैल्यू आपको मिलेगा वन वन वन। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि आप नहीं चाहते कि रीसेट किया हुआ वैल्यू मिले, यानी कि इस बार जब आपने कॉल किया था तो यहाँ इसका वैल्यू था वन, अब सेकेंड टाइम जब आप कॉल करें तो इसका वैल्यू वन से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब यहाँ जो वैल्यू है वन इससे इंक्रीज होना चाहिए इसकी वजह से, और यहाँ आपको रीसेट होने के बजाय इंक्रीज्ड वैल्यू, और यहाँ फिर इसका इंक्रीज्ड की वैल्यू यानी कि तीन आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो आपको इसको बनाना पड़ेगा स्टैटिक वेरिएबल। जब आप इस के वैल्यू को स्टैटिक बना देते हैं तो ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर इसको सेव कर दें और अभी इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा वन टू थ्री। ये कैसे होता है, देखिए जब ये पहली बार कॉल करेगा तो यहाँ से यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, ये स्टैटिक है, ये इसको असाइन कर देगा ज़ीरो, ये इंक्रीज़ होगा, आपको इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगा यहाँ से वन। क्लियर है, दूसरी बार कॉल होगा, जब दूसरी बार कॉल होगा तो ये इसको नहीं रन करेगा, डायरेक्ट ये यहाँ रन करेगा और ये जानेगा कि ए के पास क्या है, वन है, और ए को बाय वन इंक्रीज करके फिर से रिटर्न कर देगा टू, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर से तीसरी बार जब ये यहाँ से यहाँ कॉल, मतलब एग्जीक्यूशन ट्रांसफ़र होगा तो ये जानेगा कि ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है टू, और इसकी वजह से बाय वन इंक्रीज करके आपको रिटर्न कर देगा थ्री, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कंक्लूजन बस इतना सा है कि स्टैटिक वेरिएबल अगर आप बना देते हैं तो वो सिर्फ एक बार रन करेगा और बाकी टाइम उसका जो इंक्रीज्ड वैल्यू रहेगा वो आप यहाँ फंक्शन में इस्तेमाल होता रहेगा, और आपको हर कॉल के साथ उसका इंक्रीज्ड वैल्यू दिखाई देगा, वो बार बार रीसेट, हर कॉल के साथ रीसेट नहीं होगा वो वेरिएबल। ठीक है, सो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल का और कुछ भी नहीं। ओके, दोनों को आप साथ में देखिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ बात करें, इसको सेव कर लेते हैं और इसको चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, जब मैंने बोल दिया है तो कर ही लेते हैं। यहाँ डिस्पी कर देते हैं, डिस्पी इसको, डिस्पी इसको, डिस्पी और इसको भी डिस्पी।
बाकी इसमें से एक हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मैंने हटा दिया कि ये नॉन स्टैटिक है और ऊपर वाला आपका स्टैटिक है, ठीक है। सेव करते हैं, होपफुली कोई एरर ना मिले क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया ना। और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला स्टैटिक है तो 1 2 3 मिल रहा है, नीचे वाला स्टैटिक नहीं है तो 1 1 1 मिल रहा है। बार बार ये रिसेट होकर 1 1 1 आ रहा है और ऊपर वाला रिसेट नहीं हो रहा, बल्कि उसका जो वैल्यू है वो बाय वन इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि पुराना वैल्यू ही इस्तेमाल हो रहा है फंक्शन के अंदर, और विदाउट स्टैटिक वाले में पुराना वाला इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि हर बार वो रीसेट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस, ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इसके साथ हम लोगों ने एक और चीज़ देखा कि स्टैटिक जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप भी लोकली होता है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर ही, इसीलिए हम लोग इसी नाम का एक और फंक्शन यहाँ बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।